हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक लर्न एंड स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर बटन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के साइड में एक बेल बटन भी है, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें GST की वेबसाइट पर। इसके लिए आपको जाना है www.gst.gov.in। अगर आपको रजिस्टर करना है GST की साइट पर तो आप यहाँ पर क्लिक करें टैक्स पेयर में रजिस्टर नाउ पर। ये हमारे पास ओपन हो गया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए टैब। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको चूज़ करना है आई एम अ टैक्स पेयर। अगर आप एज अ टैक्स पेयर कर रहे हैं या GST प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, हम टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो टैक्स पेयर चूज़ कर रहे हैं। अपना स्टेट आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है पूरी लिस्ट दी हुई है। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है, जिससे मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रही हूँ। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन द पैन। अगर आपका कोई नया बिजनेस है, नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर पे जो नाम है प्रोप्राइटर का वो डाल दें। फिर आपको डालना है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो जो भी परमानेंट अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल दें आप। ये हमने अपना एंटर कर लिया है पैन। पैन एंटर करने के बाद आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। बहुत केयरफुली अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेगा, क्योंकि फ्यूचर की सारी कम्युनिकेशंस आपको आपके इस ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे आने वाली है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है जो मैंने यहाँ पर आई बटन पर डाल दी है। आप यहाँ से क्लिक कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको साथ साथ अभी बताऊंगी भी रजिस्ट्रेशन करते हुए कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स के साइज़ का खास ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स के केस में 1 MB भी है, बट इनका मिनिमम साइज़ 100 KB है और मैक्सिमम 2 MB है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो आप अपलोड करने वाले हैं, उनका साइज़ 100 KB में ही रखें। आप अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ डाल लें। इन्हीं पर आपको सारे कम्युनिकेशन और OTP आने वाले हैं। फिर आपको डालनी है ये सारी कैप्शंस। पहले अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें कि सभी डिटेल्स आपने सही फिल करी है। उसके बाद अपनी कैप्शंस यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास OTP आ गया है। मोबाइल OTP और ईमेल OTP, हमें दोनों OTP एंटर करने हैं यहाँ पर। तो आपके पास जो भी OTP आपके मोबाइल पे आया है वो यहाँ एंटर कर लें, और जो ईमेल पे आया है यहाँ एंटर करके यहाँ प्रोसीड कर दें। तो मैं अपनी OTP एंटर कर लेती हूँ। OTP डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये देखिए आपके पास एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज़ दिस। तो आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दिया है इन्होंने, जिसके बेसिस पे अब आपको फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट स्क्रीन करके अपने पास सेव कर लें इस टेम्परेरी नंबर को, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगर आप दोबारा लॉगिन करना चाहेंगे तो इस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के नंबर पर ही लॉगिन कर पाएंगे। तो आप इसको प्रिंट स्क्रीन करके अपने पास कहीं पर सेव कर लें। जैसे मैं अपने पास यहाँ वर्ड में इसका स्क्रीन शॉट मैंने सेव कर लिया, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना। ये TRN नंबर 15 दिन के लिए वैलिड है। तो मैंने क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन किया है तो ये दिखा रहे हैं कि 27 जुलाई तक मुझे इसे कंप्लीट कर लेना है, वरना ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम कर लेते हैं प्रोसीड पे क्लिक। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पर डालना है जो हमें मिला था एंटर। फिर आपको कैप्शन एंटर कर लेने हैं। टेम्परेरी रेफरेंस डालने के बाद और कैप्शन डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे फिर से एक OTP जो उसने आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे सेंड किया है वो मांगेगा आपसे लॉगिन करने के लिए। अपना OTP एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लें। अब आ गई है आपके पास आपकी विंडो माय सेव्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। फॉर्म का नाम है GST REG 01। अब हमें इसे कंप्लीट करना है, तो हमें इस सेक्शन में एडिट पे क्लिक कर लेना है। अब हमारे पास जो है हमें काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले तो बिज़नेस की डिटेल हमें फिल करनी है, डिटेल ऑफ योर बिज़नेस, आपका लीगल नेम और परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमने लॉगिन करते हुए डाला था ये वहाँ से पिक कर लेगा, आपको दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। अब आपको डालना है अपने ट्रेड का नाम जो आपने चूज़ किया है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि मैं यहाँ प्रोप्राइटर के लिए बना रही हूँ तो मैं प्रोप्राइटरशिप चूज़ करूँगी। वैसे यहाँ पर और भी टाइप्स दिए हैं, फॉरेन कंपनी, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, अदर पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोसाइटी, क्लब और ट्रस्ट, स्टैचुटरी बॉडी और अनलिमिटेड कंपनी। तो अपना टाइप आप चूज़ कर लीजिएगा, जिस भी तरह का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैं प्रोप्राइटरशिप चूज़ कर रही हूँ। नेम ऑफ द स्टेट हमने पहले डाला था, इसलिए ऑटोफिल आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सो पहले डाल दिया था, आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में से चूज़ भी कर सकते हैं। वार्ड ये उठा लेगा, पर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पर सेंट्रल ज्यूरिडिक्शंस के लिए रेफर द लिंक फॉर सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन लिस्ट दी है। आप इस लिंक पर जाके अपना सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। कर लेते हो तो मैंने अपना वार्ड डाल दिया है। कमिश्नर का कोड भी डालना है और डिवीजन कोड और रेंज कोड भी डालना है। ये सभी आपको यहाँ इस लिंक पे जाकर ही मिलेंगे, यहाँ पर जाकर आपको सर्च कर लेना है। अपनी रेंज सेलेक्ट करने कर लेने के बाद, कमिश्नर कोड, डिवीजन कोड और रेंज डालने के बाद, अब आपसे वो पूछ रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर हैं, मतलब आपको किसी ऐसे बिजनेस की वजह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है जो आपका परमानेंट बिजनेस नहीं है, कैजुअल नेचर का है, कभी कभी आपके पास आता है, तो आप यहाँ से ऑप्शन येस सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर आप कंपोजिशन ले रहे हैं तो येस कर लीजिएगा, नहीं ले रहे तो इसे नो कर दीजिएगा। मैं कंपोजिशन नहीं ले रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे नो ही छोड़ दिया है। रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको रीज़न चूज़ करना है। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब अगर टर्नओवर आपकी 20 लाख से एक्सीड कर रही है तो इसे क्लिक करिएगा। इंटर स्टेट सप्लाई आपने स्टार्ट कर दी है तो इसे क्लिक कर लिएगा। लाइबिलिटी टू पे एज रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसफर सक्सेशन ऑफ बिजनेस दैट तो प्रोप्राइटर, डी मर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर और एमलगमेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वॉलेंट्री बिजनेस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, SEZ, SEZ डेवलपर एंड अदर। तो आपका जो भी, जिस वजह से भी आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर चूज़ कर रही हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ जाएगी आपकी, जो भी आप जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही डाल दें तो आ जाए हमारा साथ 7 जुलाई, मैंने भी चूज़ करें। डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, वो भी चूज़ कर लें अपनी। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं चाहूँ तो इसे छोड़ भी सकती हूँ। अगर आप कहीं एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में थे तो वो डिटेल्स भी आपको डालनी होगी। सभी डिटेल्स डालने के बाद, चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। बिजनेस डिटेल्स भरने के बाद अब हमें भरनी है प्रमोटर की या पार्टनर की डिटेल। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो सिर्फ प्रोप्राइटर के लिए डिटेल भरनी है, पर पार्टनरशिप के केस में एक से ज़्यादा पर्सन की डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सब उसमें क्या क्या डालना है, अपने पर्सन का नाम आ जाएगा, पर्सन के फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस उनका दे दीजिएगा, उनका आधार नंबर आ जाएगा, मेल है या फीमेल वो चूज़ कर लेंगे आप, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, उनका आधार नंबर भी डाल दीजिएगा क्योंकि आधार नंबर से ई वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो जिसे भी आप ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं उनका आधार नंबर ज़रूर डालेगा। अदर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। उनका रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दीजिएगा और उनकी फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम साइज़ है 100 KB। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है प्रमोटर और पार्टनर में। मैं फिल कर लेती हूँ, फिर आती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये अभी मैंने फिल की है सारी प्रमोटर की डिटेल, प्रोप्राइटर की डिटेल मैंने यहाँ पे फिल की है। अगर आप इन्हें ऑथराइज सिग्नेटरी भी बनाना चाहते हैं, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो येस कर दें। मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप के केस में कर रहे हैं आप और एक पार्टनर को आपको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है तो उनके लिए ये ऑप्शन जैसे नो चूज़ होगी तो आप उन्हें येस कर दीजिएगा। और सारी डिटेल्स, उनकी एड्रेस, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स और फोटो अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी में जहाँ पे हमें भरनी है ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल। जिनको भी आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है उनका डिटेल डालना है, क्योंकि मैंने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पहले ही चूज़ कर दिया तो ये देखिए ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इनके लिए फिल्ड आ रही है, मुझे अब भरने की जरूरत नहीं है और इन्हें मैं प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी सिलेक्ट कर रही हूँ। ये मेरे लिए यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो गई है क्योंकि मैंने एक पर्सन को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी चूज़ कर लिया है। अब मुझे करना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अब भरना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर यस करके फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू
कर दीजिएगा। फिर हमें भरना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल, आपका जहाँ पर बिजनेस है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, आपको एड्रेस डालना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दे देनी है। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रमाइजिस ये डाल देना है, आपका कंसेंट में है, लीज्ड है, ओन है, रेंटेड है, शेयर्ड है, अदर है, ये सारा आपको डिटेल यहाँ डाल देनी है। डॉक्यूमेंट आपको प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ का अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से चूज़ करके। जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए रेंटेड चूज़ करती हूँ, तो ये ऑप्शन आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं आप, म्यूनसिपल खाता कॉपी डाल सकते हैं, रेंट और लीज एग्रीमेंट डाल सकते हैं, टैक्स पेड रिसीट भी डाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर है 1 MB, तो इस केस में 1 MB है। तो यहाँ से आप अपनी फाइल चूज़ करके नेचर ऑफ बिजनेस के प्रूफ को डाल दीजिएगा। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपको यहाँ से चूज़ करनी है, बॉन्डेड वेयर हाउस है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, लीजिंग बिजनेस है, रिसीट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज है, वेयर हाउस डिपो है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, EOU, STP और EHDP है, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, ऑफिस है, सेल ऑफिस है, रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, अदर है, तो अदर चूज़ करके फिर यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस तरह की कैटेगरी का है। हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कोई एडिशनल प्लेस भी है बिजनेस का तो येस कर लीजिएगा, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये डिटेल्स भरने के बाद आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। तो मैं कर लेती हूँ अपनी डिटेल्स फिल और फिर करते हैं सेव और कंटिन्यू पे क्लिक। मैंने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली है, अब मैं कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे। ये देखिए अब नेक्स्ट टैब ओपन हो गई मेरे पास, डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो क्योंकि हमने बैक में चूज़ नहीं किया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हम यहाँ भी फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर लेते वहाँ पर चूज़, तो आपको यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भी उसी तरह देनी होती जैसे आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की दी है। अब हम कर लेते हैं क्लिक कंटिन्यू पर। अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट, गुड्स एंड सर्विसेज की हमें डिटेल यहाँ पर भरनी है। अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से गुड्स पे चूज़ कर लीजिएगा, सर्विसेज देते हैं तो यहाँ से सर्विसेज पे क्लिक करना है। गुड्स के लिए आपको चूज़ करने हैं HSN कोड और सर्विसेज के लिए आपको SAC कोड्स चूज़ करने हैं। आप मैक्सिमम 5 कमोडिटीज़ या अपनी 5 सर्विसेज ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अपनी प्राइमरी सर्विसेज या गुड्स को ही एंटर कर लें सबसे पहले, जो आपकी प्राइमरी नेचर की गुड्स हैं। जैसे मान लीजिए आप पेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो सबसे पहले पेन चूज़ कर लीजिएगा। पेन डालते ही ये देखिए आपके पास काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ये देखिए आपके पास ये डिटेल्स आ गए, आप इनमें से अपनी बिजनेस की नेचर को पढ़ के, इनको केयरफुली रीड करके पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी है। तो इस तरह से आपको अपना HSN कोड चूज़ कर लेना है। सर्विसेज में जाएंगे तो सर्विस का नाम लिखिए, जैसे कि आप लिख लीजिए आप ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते ही देखिए आ गया गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर। तो इस तरह से आपको अपनी सर्विस या गुड्स का HSN या SAC कोड चूज़ करना है। मैं अपनी कोड चूज़ कर लेती हूँ। अपनी गुड्स और सर्विसेज की डिटेल्स चूज़ करने के बाद आपको डालनी है अपनी डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट। आपके नाम पर अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए, जैसे अगर 2 है तो 2 कर लें। जितने भी बैंक अकाउंट आप डालना चाहते हैं उनके नंबर चूज़ कर लें। मैं एक की ही डिटेल डालना चाहती हूँ तो मैं 1 चूज़ कर रही हूँ। और ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डालना है अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट चूज़ कर लेना है, करंट है, सेविंग है, कैश क्रेडिट है या अदर है, बैंक का IFSC कोड आपको डालना है, और बैंक से रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना है, या तो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, बैंक की स्टेटमेंट या कैंसल चेक हैविंग नेम ऑफ टैक्स पेयर। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल का साइज़ यहाँ पर 1 MB दिया है, तो अपनी फाइल डाल के चूज़ कर लीजिएगा। मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पर बैंक की फिल कर लेती हूँ और फिर हमें क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। देखिए आप IFSC डालने के बाद जब गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का एड्रेस भी यहीं से चूज़ हो जाएगा। पर एक और ऑप्शन है, डू यू नो योर IFSC, क्लिक हेयर टू फाइंड योर बैंक। यहाँ पर आप क्या करिए उस पर क्लिक करिए, बैंक का अपना नाम डाल दीजिए, जैसे मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रही हूँ। स्टेट अपना चूज़ कर लीजिए, जिस स्टेट का आपका अकाउंट है। अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें। और सिटी अपनी चूज़ कर लें। तो अगर आपके पास IFSC कोड नहीं है तब भी आपके पास ये बैंक की ऑप्शंस आ जाएंगी और आप वहाँ से जाके अपना बैंक चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बैंक IFSC कोड ना होने पर भी चूज़ कर लेंगे तो IFSC कोड वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अपनी बैंक की डिटेल्स फिल कर ली है। अब मैं कर रही हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड, जो मुझे मैंने चूज़ किया है फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। बैंक की डिटेल्स फिल करने के बाद क्लिक कर लें सेव एंड कंटिन्यू पे।
अब नेक्स्ट हमें जो डिटेल्स फिल करनी है, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस आपको भरनी है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट कोड नंबर, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर एंड नेम ऑफ द पर्सन इन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस इज हेल्ड। अगर ये आपके पास इन्फॉर्मेशंस हैं तो आपको इनको भरना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, इन्हें आप छोड़ दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। जब आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपने अपनी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट की है। मेरी यहाँ 99% आ रही है क्योंकि मैंने एक जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं की है। तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 100% प्रोफाइल कंप्लीट। आप इन टैब्स में जाके एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को चूज़ कर लें और सारी देख लें कि आपने डिटेल फिल ठीक से की है या नहीं। तो आप इन टैब्स में जाके वन बाय वन अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपने ठीक फिल की है या नहीं। जब आपको लगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ठीक फिल कर ली है तो सबसे लास्ट वाली टैब जो आ रही है वेरिफिकेशन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इस बटन पे को आपको चूज़ करना है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी चूज़ करना है आपने, जो आपने वहाँ पर प्राइम ऑथराइज सिग्नेटरी लिया था उसी का नाम यहाँ पर आएगा। अपना प्लेस एंटर कर दीजिएगा, बिजनेस का जो भी प्लेस आपने अपना चूज़ किया है, ठीक है। और सारी डिटेल्स खुद आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप डिटेल्स चूज़ कर लेंगे सारी तो आपके पास ऑप्शंस आएंगी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए, सबमिट विद DSC, सबमिट विद ई सिग्नेचर, सबमिट विद EVC। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर से अपने आपको ई साइन कर लेना है। यहाँ पर ये बोल भी रहा है DSC इज़ कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड LLP, तो कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। अदरवाइज आप सबमिट विद ई सिग्नेचर मतलब आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे कोड डाल के भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर अब आपके पास मान लीजिए ना जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं ना ही आपका आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास, तो आपके पास तीसरी एक और ऑप्शन अवेलेबल है वेरिफिकेशन के लिए, सबमिट विद EVC। इस ऑप्शन में क्या होगा, इसको क्लिक करते ही OTP आएगा आपकी उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो आपने अपने आप को न्यू यूज़र रजिस्टर करते हुए डाला था। तो एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन इन्होंने दे दी है, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं है, आधार भी नहीं है, तो आपको ईजिली यहाँ से ई वेरीफिकेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आप GST की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कोई भी और इशू आ रहा है, वैसे मैंने अपनी और भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाई हुई है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेरी आ रही है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। मैंने अपनी ईमेल आईडीज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ जाके मुझे मेल कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।